हेलो दोस्तों, अगर आप एयरसेल यूजर हैं तो आप लोगों के लिए बेहद ही बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, एयरसेल कंपनी होने जा रही है बंद। यह खबर बिल्कुल ही सच है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि एयरसेल कंपनी बंद होने के बाद आप अपना एयरसेल सिम को पोर्ट कैसे करवाएंगे किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी में, और एयरसेल कंपनी कब तक होगी बंद। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल जोन। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे चैनल पीके टेक्निकल जोन की ओर से रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों का महत्व हमेशा बना रहे, आप इसी प्रकार से हमेशा खिलते रहें, फूलते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी को दोस्तों रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एयरसेल टेलीकॉम कंपनी फाइनली बंद होने जा रही है, यह खबर कन्फर्म है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में यह रिपोर्ट आज तक का है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। आज तक ने यह खबर 28 फरवरी 2018 को अपडेट किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि एयरसेल ने खुद दिवालिया होने का अर्जी देगी। एयरसेल ने खुद एनसीएलटी में दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दिया है। एयरसेल ने खुद कहा है कि कर्ज के बोझ व बढ़ते घाटे की वजह से कंपनी में कारोबार में नकारात्मक असर पड़ा है। मलेशियाई प्रमोटर मैक्सिस कम्युनिकेशन ने कंपनी में निवेश करने से मना कर दिया है। दोस्तों, हाल में ही इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया अपने रिपोर्ट में कहा था कि एयरसेल कंपनी 15,500 करोड़ रुपए कर्ज में डूबी हुई है, यह कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, सितंबर 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था उसके बाद एयरसेल कंपनी घाटे पे चल रही है, और एयरसेल ने पहले ही 6 सर्कल में अपना सर्विस बंद कर चुकी है। एयरसेल टेलीकॉम कंपनी बंद हो जाने से 8.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। आप अपना एयरसेल सिम जल्दी से पोर्ट करवा लें दोस्तों, क्योंकि खबरें के मुताबिक एयरसेल मार्च के अंत तक बंद हो जाएगी, और आप इसे मार्च के अंदर ही पोर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद आप सिम को पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों, रहा बात दोस्तों कि आप अपना एयरसेल नंबर पोर्ट कैसे करवाएंगे, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं एयरसेल को लेकर तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करें, वहाँ पे आपके हर एक सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो को इतना शेयर करें कि जो एयरसेल यूजर हैं यह खबर उन लोगों तक जरूर पहुँचे। और हाँ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।